नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक मंजिला घर बनाने के लिए प्लिंथ बीम का साइज क्या होना चाहिए, प्लिंथ बीम में स्टील बार यानी कि जो हम सरिया यूज करेंगे उसकी थिकनेस यानी कि मोटाई क्या हो, और इसके साथ साथ प्लिंथ बीम में स्टील बार यानी कि सरियों की संख्या क्या होनी चाहिए, और प्लिंथ बीम बनाते समय हमें किस क्वालिटी की स्टील यूज करनी चाहिए, और प्लिंथ बीम की ऊंचाई ग्राउंड लेवल से कितनी होनी चाहिए। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके साथ साथ आप लोगों से एक शिकायत रहती कि आप लोग वीडियो देखकर चले जाते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम आपका क्लियर कर देना चाहेंगे कि यदि आप ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर इस ऊंचाई का घर बना रहे हैं तो वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए है, और यदि आप सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर इस ऊंचाई का घर बना रहे हैं तो वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लिंथ बीम में हमें कितने mm डाई की स्टील बार यूज करनी चाहिए, यानी कि कितनी मोटाई की सरिया हमें यूज करनी चाहिए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मंजिला घर के लिए प्लिंथ बीम बनाया जा रहा है, और यहाँ पे प्लिंथ बीम में सरिये की थिकनेस यानी कि सरिये के डाई की बात करें तो 12 mm है। सो एक मंजिला घर बनाने के लिए प्लिंथ बीम में आप जो सरिया यूज करेंगे उसका डाया जो है 12 mm होना चाहिए, यानी कि सरिये की मोटाई 12 mm होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं कि प्लिंथ बीम में हमें कुल कितनी सरिया यूज करनी चाहिए एक मंजिला घर बनाने के लिए। सो आप देख सकते हैं कि एक मंजिला घर बनाने के लिए प्लिंथ बीम में टोटल 4 सरिया कुछ इस तरह से यूज होती है, आप देख सकते हैं। सो यदि आप फर्स्ट फ्लोर यानी कि एक मंजिला घर के लिए प्लिंथ बीम बना रहे हैं तो आपको प्लिंथ बीम में 4 स्टील बार 12 mm की लगानी चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक मंजिला यानी कि फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए प्लिंथ बीम का साइज क्या होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो यदि आप एक मंजिला का घर बना रहे हैं तो प्लिंथ बीम का साइज 9 इंची बाई 9 इंची होना चाहिए। यदि आप सेंटीमीटर में समझते हैं तो 23 सेंटीमीटर बाई 23 सेंटीमीटर थिकनेस की आपकी प्लिंथ बीम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि रोड लेवल से प्लिंथ बीम की हाइट क्या होनी चाहिए। सो रोड लेवल से प्लिंथ बीम की हाइट 70 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, आप देख सकते हैं प्लिंथ बीम की हाइट रोड लेवल से या फिर ग्राउंड लेवल से 70 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सरिये की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, यानी कि प्लिंथ बीम में आप जो सरिया यूज करेंगे वो किस टाइप की होनी चाहिए। सरिये की क्वालिटी Fe 500D होनी चाहिए। आप कोई भी सरिया यूज कर सकते हैं, बट प्रेजेंट टाइम में सबसे बेस्ट सरिया Fe 500D मानी जाती है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि स्टील बार यानी कि सरिये में कुछ इस तरह से Fe 500D लिखा रहता है। सो यदि आप सरिया खरीदने जा रहे हैं तो सरिये में Fe 500D लिखा हुआ जरूर देखें। इसके पहले वाली वीडियो में हम देख चुके हैं कि फाउंडेशन और कॉलम में हमें किस तरह से सरिया यूज करनी चाहिए एक मंजिला घर बनाने के लिए। यदि आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। सो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।